जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़, मारा गया एक आतंकवादी, दो के छिपे होने की आशंका। मुठभेड़ में कुलगाम के एसओजी और सीआरपीएफ भी मौजूद, एक जवान शहीद। त्राल इलाके में भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सेना पुलिस और सीआरपीएफ शामिल, फायरिंग बंद, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर से आया आतंकियों के अत्याचार का दिल दहलाने वाला वीडियो, राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर स्थानीय व्यक्ति की पिटाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में रहने वाले सेना के एक जवान का वीडियो वायरल, आतंकियों की धमकी के बाद नौकरी छोड़ने का ऐलान। गुवाहाटी में सेना ने एनडीएफबी के उग्रवादी को किया गिरफ्तार, साथी के साथ कुछ दिन पहले आया था म्यांमार से। केरल के त्रिशूर में हत्या के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार, फैज, कार्तिक और जीतेश से पुलिस कर रही है पूछताछ। गिरफ्तार किया गया फैज है फाजिल का भाई, मृतक आरएसएस कार्यकर्ता आनंदन फाजिल की हत्या का था आरोपी। बीएसएफ के जवानों में आत्महत्या रोकने के लिए लंदन का रिसर्च ग्रुप, दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर कल से बैठक। 2017 में बीएसएफ जवानों की आत्महत्या के बढ़े मामले, अब तक 34 जवान कर चुके हैं खुदकुशी, 2016 में 25 जवानों ने की थी आत्महत्या। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 20 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में सड़क हादसे में बाल बाल बचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, टैंकर ने काफिले की गाड़ियों को मारी टक्कर। साक्षी महाराज के काफिले से पहले टैंकर ने दो बाइक सवारों को भी मारी थी टक्कर, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। सूरत के कपड़ा बाजार इलाके में नेताओं के घुसने पर कारोबारियों ने लगाया प्रतिबंध, जीएसटी से खफा है कपड़ा कारोबारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में किसानों ने बिक्री के लिए लाई उपज के साथ डीएम का घेराव किया, मंडी में नहीं मिल रहा तय किया गया दाम। राम मंदिर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता पर सरकार की पहल, शाम 4 बजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर होगी मुलाकात। 16 नवंबर को अयोध्या जाएंगे श्री श्री रविशंकर, राम मंदिर विवाद से जुड़े दोनों पक्ष के लोगों से करेंगे बातचीत। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी श्री श्री की पहल का किया स्वागत, अगली दिवाली की पूजा नए मंदिर में गर्भगृह में होगी। अयोध्या में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी से मुलाकात, कहा आम राय से हो मंदिर का निर्माण। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को दी नसीहत, कहा अयोध्या विवाद से दूर रहे। श्री श्री ने कहा राम मंदिर निर्माण के लिए खुद मध्यस्थता से जुड़ा, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। आज दिल्ली में गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल, आनंदीबेन पटेल की अमित शाह से मुलाकात। 15 नवंबर को दिल्ली में होगी बीजेपी के संसदीय बोर्ड और सीईसी की बैठक, बैठक के बाद जारी हो सकती है गुजरात में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गुजरात दौरे से आज दिल्ली लौटेंगे राहुल गांधी, उम्मीदवारों की सूची पर करेंगे मंथन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कांग्रेस कोर कमेटी के नेता करेंगे मुलाकात, कांग्रेस 16 नवंबर को जारी कर सकती है गुजरात में उम्मीदवारों की पहली सूची। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने गुजरात के 3 युवा नेताओं हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश को तवज्जो देने का बनाया मन, इनकी रैलियों में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। गुजरात में घरों पर चिन्ह लगाने को लेकर सियासी गदर, बयानबाजी के बीच हो गई पुताई। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में मुस्लिम मकानों पर लगाया गया था लाल पीले रंग का क्रॉस, क्रॉस को लेकर कई सवाल। पालड़ी इलाके में ध्रुवीकरण वाले पोस्टर भी लगाए गए, पोस्टर्स पर लिखा पालड़ी को जुहापुरा बनाने से बचाएं। गुजरात का मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जुहापुरा, जबकि पालड़ी में हिंदू मुसलमान लंबे अरसे से रह रहे हैं साथ। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर जफर सरशवाला के घर पर भी की गई थी मार्किंग, चुनाव आयोग को खत लिखकर जांच कराने की मांग। जफर सरेशवाला ने कहा मुस्लिम मकानों पर मार्किंग और लगाए गए पोस्टर 90 के दौर के ध्रुवीकरण के दिलाते हैं याद, हरिन पांड्या का किया जिक्र। जफर सरेशवाला ने जताई आशंका यह हरकत मौजूदा विधायक राकेश शाह के खिलाफ हो सकती है साजिश, इसमें बीजेपी और विपक्ष दोनों शामिल हो सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनके ही अंदर के लोग हैं अच्छा। जो राकेश शाह से डिसग्रंटल्ड है, अगर कोई उनके विरोधी अगर ये कर रहे हैं तो उनको उसको दिखना चाहिए। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन के बाद अब कांग्रेस की दरवाजे दरवाजे दस्तक, आज अहमदाबाद के शोला इलाके से शुरुआत। गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी डोर टू डोर अभियान से जुड़ेंगे।
कल महसाणा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया करारावार, सपेरे और जादूगर से मुलाकात होने पर सुनी बीन, देखा जादू, कसा तंज। राहुल ने जादूगर से नोट बनाने का खेल भी देखा, फिर पीएम मोदी पर किया पलटवार, जादूगर से बोले आपने पैसा बाहर किया, मोदी जी ने अंदर। राहुल गांधी ने बीजेपी के 200 पेड वर्कर्स मेरे खिलाफ चलाती है झूठ का कॉल सेंटर, लेकिन मेरी सच्चाई धीरे धीरे पूरे देश को पता चलेगी। मनीला में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मिले पीएम मोदी, सामरिक मुद्दों पर बात। वियतनाम के पीएम से भी पीएम मोदी ने की मुलाकात, दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने को लेकर चर्चा। ब्रुनेई के सुल्तान से भी पीएम की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के साथ भी पीएम की बैठक, शाम 4:30 बजे वापसी का कार्यक्रम। 10 देशों की आसियान समिट का आज दूसरा दिन, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से हुई थी बातचीत, एशिया के भविष्य पर दोनों नेताओं ने की चर्चा। मुंबई में आज दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की हो रही है नीलामी, 3 संपत्तियों पर बोली की प्रक्रिया शुरू। आईएमसी बिल्डिंग में लग रही है बोली, रौनक अफरोज पर बोली लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील भूपेंद्र भारद्वाज मौके पर। स्वामी चक्रपाणी ने बोली लगाने का किया दावा, कहा होटल में खुलवाएंगे शौचालय। हुआ तो हमने कहा कि जो भी और भी लेगा उसकी प्रॉपर्टी को उसको हम 10% देंगे, जो अंतिम किस्त होगा देंगे उसका सार्वजनिक रूप में उपयोग किया जाए। दाऊद की तीनों संपत्तियां भिंडी बाजार में मौजूद, इसी में रौनक अफरोज होटल भी शामिल। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का फिर ट्रांसफर, मंत्री अनिल विज के विभाग में हुए तैनात, सरकारी नौकरी में अब तक 51 बार हुआ तबादला। हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने दिया बड़ा बयान, बोले लैंड डील मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है खट्टर सरकार। में एक दस्तावेज पब्लिश किया था वर्तमान कानून मंत्री जी ने 14 अप्रैल में, अगर उसका उत्तर भी रिकॉर्ड में निहित है, उसका उत्तर ही दे दें तो मेरे ख्याल से सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आईएएस अशोक खेमका ने पीएमओ से जुड़कर कामकाज करने की जताई इच्छा, बोले ये मेरे लिए होगी सम्मान की बात। सुप्रीम कोर्ट का जेपी बिल्डर कड़ा आदेश, 22 नवंबर को निजी संपत्तियों की सूची के साथ हो हाजिर। दिल्ली के NH24 पर दुल्हन के साथ जा रही कार गड्ढे में गिरी, गुड़गांव से वसुंधरा जा रही थी कार, दुल्हन समेत 2 महिलाएं घायल, मयूर विहार फेज 2 की लाल बत्ती के पास हादसा। पता ही नहीं चला क्योंकि यहाँ देखे कोई भी चीज यहाँ पे इनके क्लियरली ये वॉल है ही नहीं, यहाँ पे भी तिरछा था ये जो लगा हुआ है ना इनका। परिवार की शिकायत, रोड के ऊपर नहीं लगा था कोई बोर्ड, NGT के आदेश के बावजूद चल रहा था काम। विजयवाड़ा में हुए बोट हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंचा, 7 साल की बच्ची का मिला शव। प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल के खिलाफ पिता का नया मोर्चा, मान्यता रद्द करने की अपील। पिता ने बनाया है प्रद्युम्न फाउंडेशन नाम का संगठन, लिखा स्कूल प्रशासन की तरफ से कई बड़ी लापरवाहियां। हुगली में 6ठी क्लास के बच्चे की गला रेतने की कोशिश, स्कूल से लौटते वक्त अज्ञात लोगों ने किया हमला। राजस्थान के भरतपुर में अलाव की आग में पटाखों का बारूद डालने के बाद हादसा, पास बैठे 5 बच्चे झुलसे। हाथरस में फाइनेंस कर्मी से हुई 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूट का मामला सुलझा, खुद ही रची थी लूट की कहानी। पाकिस्तानी घुसपैठी ने खोला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के फर्जी पासपोर्ट दिलाने का खेल, जाली पासपोर्ट पर पहले भी 2 बार आया था भारत। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में जौहरी की बहादुरी से टली लूट की वारदात, लेकिन बदमाशों ने जौहरी को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। जौहरी को बदमाशों से भिड़ता देख जुट गए लोग, पुलिस को पहुंची सूचना, मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, गिरफ्त में आया 2 साथी फरार। इलाहाबाद के धूमनगंज में एक युवक के पिस्टल स्टंट से मची दहशत, चलती कार के बोनट पर बैठकर पिस्टल दिखा रहे युवक का वीडियो वायरल, तलाश रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर के नजीरपुर इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 10 लाख रुपए लूटे, फरार हुए। त्रिपुरा
तेलंगाना के जोगलम्बा गढ़वाल में एएसआई हसन की आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, दफ्तर में महिला होमगार्ड देवी से मसाज कराता नजर आया। थाने में मसाज पार्लर की तस्वीर वायरल होने पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। कन्याकुमारी में दिखा दर्दनाक मंजर, टूटे हाथ का इलाज कराने के लिए 9 साल के मासूम को एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर मांगनी पड़ी भीख। लोगों का ध्यान दिलाने पर बाल संरक्षण के अधिकारियों ने इलाज का दिया भरोसा, मासूम से भीख न मांगने के लिए शपथ। यूपी में सीतापुर की लहरपुर कोतवाली इलाके में महिला से गैंगरेप, 7 लोगों पर है गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नहीं थम रहा अवैध खनन, रावी नदी से निकाली जा रही है रेत। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक समारोह में घुसा जहरीला सांप, मचा हड़कंप। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में नदी से निकला मगरमच्छ, मुश्किल से आया पकड़ में। विशाखापट्टनम में खाई में गिरी कार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। ओडिशा के बारगढ़ में 10 दिन में 7 किसानों ने की खुदकुशी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने लिया जायजा। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश पर किन्नर की हुई कांस्टेबल पद पर नियुक्ति, राजस्थान के इतिहास का पहला वाकया। संगरूर ट्रैफिक पुलिस की सराहनीय पहल, धुंध से होने वाले हादसों को टालने के लिए वाहनों पर लगाए जा रहे हैं रिफ्लेक्टर। मंदसौर में रेलवे प्लेटफॉर्म पर पेंटिंग बनाकर दिया गया स्वच्छता का संदेश, 10 दिन में बनाई गई 8,000 फीट लंबी पेंटिंग। 12 दिसंबर को है सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन, प्रशंसक अभी से तैयारी में जुटे। फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद के बीच प्रमोशन में जुटे अभिनेता शाहिद कपूर, फैंस के बीच की मस्ती। फिल्म पद्मावती पर नहीं थम रहा बवाल, मुंबई में फिल्म मेकर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भंसाली पर हमले की निंदा। IFTDA ने भंसाली के समर्थन में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, 16 नवंबर को शांति प्रदर्शन के आयोजन का ऐलान, 15 मिनट के लिए बंद होगी पूरी फिल्म सिटी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगली फिल्म मानसून शूटआउट का पोस्टर लॉन्च, 15 दिसंबर को रिलीज होगी क्राइम थ्रिलर। फिल्म अभिनेता संजय दत्त का फोटो शूट सोशल मीडिया पर हुए ट्रेंड, बच्चों के साथ नजर आए तस्वीरों। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।